गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई वेलकम यू टू दिस सेशन ऑफ हीट ट्रांसफर। लास्ट सेशन में हमने देखा था कंडक्शन इक्वेशन को किस तरीके से डराइव किया जाए, तो हम फाइनली कंक्लूजन्स पर आए थे कुछ, जो हमने हीट कंडक्शन इक्वेशन के लिए कंक्लूड किए थे, हम जिन कंक्लूजन्स पर हम आए थे। उससे पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं जो हमने डराइव की थी। फाइनली जो इक्वेशन हमारे पास आई थी वो कुछ इस फॉर्म में आई थी, फॉर अ प्लेन वॉल, कुछ प्लेन वॉल हमने कंसिडर की थी एक, और उसके अंदर एक एलिमेंट कंसिडर किया था, और उसके ऊपर हमने एनर्जी बैलेंस यूज करके उसके लिए इस तरीके से हमने, हमारे पास एक एलिमेंट था जिसका लेंथ डी एक्स था, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और उसके लिए हमने कुछ कैलकुलेशंस एनर्जी बैलेंस लगा के हमने जो इक्वेशन थी उसको मॉडिफाई सिंप्लीफाई किया, वो कुछ इस टर्म में आई थी। इसके साथ हमने कुछ डेरिवेटिव के रूल्स भी यूज़ किए थे, डेरिवेटिव के रूल्स यूज करके हम फाइनली इस इक्वेशन पर आए हैं, जहाँ पर हमने देखा जो इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह की थी, 1/a डेल बाई डेल एक्स के ए डेल टी बाई डेल एक्स प्लस जी डॉट हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक जनरेशन पर हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम, रो सी, रो इज द डेंसिटी एंड सी इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल, डेल टी इज द डेल टी बाई स्मॉल डेल टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और ए हमारी बॉडी के लिए एरिया जो है वो कॉन्स्टेंट है, हम तो ए बाहर यहां से हमने जब ए बाहर निकाला, ए से ए कट दिया, और तो हमारे पास फाइनली जो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो इस तरीके से आई, डेल बाई डेल एक्स के डेल टी बाई डेल एक्स प्लस जी डॉट इजल टू रो सी डेल टी बाई डेल टी। ये वेरिएबल है, ये कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी वेरिएबल है। अब देखते हैं के वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी पैरामीटर्स डिपेंड, और जो हमारे पास मटेरियल्स के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर वी कैन कंसीडर थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट, बट अगर टेम्परेचर रेंज बहुत ज़्यादा ही है तो फिर वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी को कंसिडर करना पड़ता है। अगर हमारी थर्मल कंडक्टिविटी वेरिएबल है, ये जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का ही पार्ट है, तो थर्मल कंडक्टिविटी के ब्रैकेट के अंदर आएगी क्योंकि के एक्स के साथ चेंज हो सकती है। सो फॉर वेरिएबल कंडक्टिविटी द इक्वेशन इज लाइक दिस, इफ थर्मल कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी अगर कांस्टेंट है तो मैं इसको ब्रैकेट से बाहर लेकर आ सकता हूं क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन, डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस जी डॉट बाई के इज इक्वल टू रो सी बाई के डेल टी बाय स्मॉल डेल टी, वेर रो के बाय रो सी वी नो इज अल्फा, दैट इज थर्मल डिफ्यूजिविटी, इट डिनोट्स हाउ फास्ट हीट डिफ्यूजेस थ्रू अ बॉडी। सो फाइनली फॉर अ कॉन्स्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी वी हैव द इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस जी डॉट बाई के प्लस 1 बाई अल्फा डेल टी बाई डेल टी। सो दिस वॉज द डिफरेंशियल इक्वेशन वी वर ट्राइंग टू डेवलप। हमारे पास जो भी हम जितने भी केसेस करने वाले हैं, ऑलमोस्ट मोस्टली सबके लिए हमारी जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो कॉन्स्टेंट रहेगी, जितने भी हम मटेरियल्स की बात करने वाले हैं। वेरिएबल कंडक्टिविटी का एक कॉन्सेप्ट आएगा, हम वो भी पढ़ेंगे, बट जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम यूज करने जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड करेंगे, जिसमें हम लोगों को टेम्परेचर्स कैलकुलेट करने होते हैं, इस इक्वेशन को यूज करके, चाहे ये वाली इक्वेशन हो चाहे फिर ये वाली इक्वेशन है, इन इक्वेशन को यूज करके हम किसी भी पॉइंट पर, गिवन प्लेन के लिए हम टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं, सो हमारे पास मोस्टली यही वाले केसेस आते हैं, तो हम इसी के लिए कुछ और केसेस पढ़ने वाले। फॉर कॉन्स्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी स्टडी स्टेट, इफ द स्टेट हीट ट्रांसफर रेट इज स्टडी, दैट इज द टेम्परेचर्स विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डेल टी बाई डेल टी विल बी इक्वल टू जीरो, टेम्परेचर चेंज नहीं होंगे। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हीट कहीं कोई पार्ट हीट अभी एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका टेम्परेचर लगातार राइज हो रहा है, तो डेल टी बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो फॉर स्टडी स्टेट, हेंस द इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस, डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस जी डॉट वाई के इज इक्वल टू जीरो। ये काफी बार यूज होती है और ये पूछा भी जाता है।
एंड फिर द सेकेंड वन इज ट्रांजियंट, ट्रांजियंट विद नो हीट जनरेशन. जितने भी केस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये केसेस हमको जनरली देखने को मिलते हैं, इसीलिए इस तरीके की इक्वेशंस को डेवलप, इस तरीके की चीजें आपको पढ़ाई जा रही है. ट्रांजिएंट विद नो हीट जनरेशन, इस तरीके के केसेस हमारे पास आते हैं. ओके, सो इसी के लिए इक्वेशंस लिखाई जा रही हैं, और केसेस भी हम बना सकते हैं. ट्रांजिएंट विद नो हीट जनरेशन, जी डॉट इज इक्वल टू जीरो, डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी डॉट जीरो हो गया. तो यहां वाला जो पार्ट है ये जीरो हो जाएगा, लेकिन ट्रांजिएंट का मतलब ये कि टेम्परेचर आर सब्जेक्टेड टू चेंज. सो डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई अल्फा डेल टी बाई स्मॉल डेल टी. एंड द फाइनल इज स्टडी स्टेट विद नो हीट जनरेशन. स्टडी स्टेट मीन्स, अगेन स्टडी स्टेट मीन्स डेल टी बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो एंड विद नो हीट जनरेशन दैट इज जी डॉट इज इक्वल टू जीरो. सो वी हैव द इक्वेशन लाइक दिस, डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. अब जो भी इक्वेशन हमारे पास आई है इन इक्वेशन को सॉल्व करके, इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व, अगर ये वाली इक्वेशन है इसको सॉल्व करने का अलग तरीका, ये वाली इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने का अलग तरीका होता है. सो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम, इक्वेशंस को सॉल्व करके हम यहां से टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं, कर सकते हैं. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इस तरीके की इक्वेशन आपके पास आएगी, और वहां उस इक्वेशन को यूज करके फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स यू कैन फाइंड द टेम्परेचर. सो हीट कंडक्शन इक्वेशन का मेन पर्पज यही है कि आप फॉर किसी भी पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पर या गिवन प्लेन के लिए टेम्परेचर्स को फाइंड कर सकते हैं. अब ये जो हमारी इक्वेशन है हीट कंडक्शन इक्वेशन, अगर हम थ्री डायमेंशन में देखें, हम सेम तरीके का एलिमेंट लेते हैं और बस जो हमारा एनालिसिस है उसको थ्री डायमेंशन में कंसिडर कर लेते हैं. जैसे हमने वन डायमेंशन के लिए किया वैसे हम थ्री डायमेंशन में करेंगे. और जब आप इसको देखोगे तो कुछ इस फॉर्म में आएगी,